जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो एस भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वह रूस के दौरे पर गए थे। तो वहां पर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो रूस के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री दोनों एक साथ है ना सो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। तो उसमें है ना सो भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने क्या कहा कि वह है ना सो रूस से तेल खरीदते रहेंगे, खरीदना जारी रखेंगे। आपको मालूम होगा कि भारत है ना सो भारत है एक ऐसा देश है कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस उपभोक्ता है, तीसरा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल और गैस उपभोक्ता है। यानी कि है ना सो दुनिया में तीसरा ऐसा देश है भारत जो है ना सो सबसे ज़्यादा तेल है ना सो तेल या गैस है ना सो विदेश से है ना सो आयात करता है अपने यहाँ। तो तीसरा सबसे बड़ा दुनिया का उपभोक्ता देश है। तो हाल इसको है ना सो तेल और गैस का चाहिए, तो ये है ना सो सऊदी अरब से, इराक से या ईरान से लेता था। रूस से बहुत कम मात्रा में लेता था। भारत का इतिहास है कि भारत रूस से बहुत कम मात्रा में तेल गैस लेता था। थोड़ा दूरी पर है, तो पिछले साल 2021 में भारत ने जितना है ना सो तेल और गैस है ना सो विदेश से है ना सो आयात किया, तो जितना तेल गैस आयात किया उसका मात्र 0.2%, यानी कि आप जानते हैं कितना कम होता है, 0.2%। यानी कि भारत 2021 का बात है कि भारत ने जितना है ना सो तेल और गैस है ना 2021 में जितना भी है ना विदेश से आयात किया उसका मात्र 0.2% ही है ना रूस से तेल और गैस है ना सो आयात किया था। तो इस पर अमेरिका तो शुरू से है ना सो बोल रहा है या पश्चिमी देश कि भारत है ना सो रूस से कोई संबंध है ना व्यापारिक संबंध नहीं रखे। उस पर अमेरिका रूस ये पश्चिमी देश रूस पर है ना सो काफ़ी आर्थिक प्रतिबंध ये सब लगा दिया है, लेकिन इसका रूस पर कोई असर नहीं पड़ा। उल्टे रूस क्या किया कि पूरा यूरोप को है ना सो जो है ना सो आप जानते हैं कि यूरोप को है ना सो लगभग 45% तेल और गैस का आपूर्ति कौन करता है? रूस करता है। लेकिन रूस ने है ना यूरोप को है ना सो पर तेल और गैस आपूर्ति पर बैन कर दिया। अब पहले है ना 45% आपूर्ति यूरोप को करता था, लेकिन अब है ना आज के डेट में मात्र 10% ही तेल और गैस की आपूर्ति रूस है ना पश्चिमी देशों को कर रहा है। और धीरे धीरे उसमें भी अब यह है ना सो ज़्यादा आएगा, बर्फबारी होगा तो उसमें भी कटौती करके ख़त्म ही कर देगा। तो इससे पूरे पश्चिमी देशों में हाहाकार मचा हुआ है। आप जानते हैं पश्चिमी देशों में महंगाई एकदम चरम पर है। इंग्लैंड में तो हर एक महीना दो महीना में सरकारी बदल रहा है, प्रधानमंत्री बन रहा है, महंगाई पूरा चरम पर है। बहुत लोग तो वहाँ पर मांग कर रहा है कि अब है ना पश्चिमी देश जो यूरोप का जो देश है जो है ना सो नाटो में शामिल है या अमेरिका के पक्ष में है, तो उससे है ना सो नाटो से निकलने का मांग उठ रहा है। पूरे यूरोप में लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। महंगाई, बिजली, जानते हैं कि यूरोप में जो बिजली घर है ये सब ना गैस आधारित है, तो वहाँ बिजली का दाम काफ़ी महंगा हो गया है, खाने पीने का चीज़ इतना महंगा हो गया है। तो पूरे यूरोप को है ना सो गेहूँ भी है ना सो यूक्रेन और रूस मिलकर लगभग 25% है ना सो गेहूँ का भी है ना सो एक्सपोर्ट करता है, तो ज़्यादातर है ना यूरोप के देश में होता है। तो उस पर भी है ना सो काफ़ी बैंड लग गया है, कर दिया है पुतिन, लगा दिया है, तो वहाँ महंगाई पूरा चरम पर है। तो लेकिन फिर भी अमेरिका है ना ये बोलता है कि भारत को बोलता है कि रूस से कोई व्यापारिक संबंध नहीं बनाओ, उसे तेल नहीं खरीदो। तो 2021 में मात्र 10% जितना भी भारत ने तेल गैस का आयात किया था उसके मात्र 0.2% ही रूस से खरीदा था। लेकिन आप जानते हैं कि रूस है ना भारत का रिश्ता कैसा है कि काफ़ी अपनापन वाला है ना, काफ़ी अपनापन वाला है, ये है ना सो पूरा भरोसे के सिद्धांत पर है, काफ़ी अपना है। हरदम रूस भारत एक दूसरे का साथी रहा है, कभी भी जरूरत पड़ा तो दोनों देश एक दूसरे का काफ़ी मदद किया है, काफ़ी भरोसेमंद साथी है। लेकिन अमेरिका देखिए ऐसा छोटा देश है कि तो पूरा है ना सो कश्मीर में, अफगानिस्तान में जितना आतंकवादी है 70-80 के दशक में सबको है ना स्टिंगर मिसाइल AK-47 जिहाद करना, तो ये है ना सो पूरा तो सिखाया था ही। अभी कुछ दिन पहले क्या है कि जो पाकिस्तान में F-16 जो फाइटर जेट है अमेरिका उसको दिया, लगभग 80-85 फाइटर जेट F-16 फाइटर जेट है ना अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया है। अब उसका रख रखाव मेंटेनेंस के लिए क्या किया अमेरिका, किया ना सो पाकिस्तान को $अरबों पैसा दिया है पाकिस्तान को कि है ना F-16 जो फाइटर जेट है तो उसका रख रखाव मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया है। जबकि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, पाकिस्तान उस फाइटर जेट का इस्तेमाल क्या करेगा, भारत के विरोध में ही करेगा। तो अमेरिका ब्रिटेन जो है ये भारत का भरोसेमंद साथी नहीं है, वो कभी अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को मदद कर देगा, कभी भारत के पक्ष में बोलेगा, कभी किसी को होगा कोई उसका कोई दोगला देश है अमेरिका यूरोप, उसका कोई
भरोसेमंद नहीं है, लेकिन रूस हमारा सबसे भरोसेमंद साथी है। प्रधानमंत्री मोदी पहचान गए, अब रूस है ना सो तेल का है ना सो एक्सपोर्ट करता है, तो भारत पिछले साल तो 10.2% ही है ना सो भारत अपने आयात का उसे किया था, कम किया था, लेकिन इस साल तो काफ़ी बढ़ गया। अब है ना अभी है ना भारत है ना सो सबसे ज़्यादा तेल कहाँ से है ना सो आयात करता है, रूस से। आज के डेट में सबसे ज़्यादा है ना भारत है ना तेल आयात क्या कहाँ कर से करता है, रूस से, क्योंकि वो अपना अपना भरोसेमंद साथी है, पुतिन से काफ़ी भरोसेमंद साथी है। अभी है ना जो पहले है ना 10.2% 2021 में तेल आयात किया था, इस साल है ना सो तेल आयात का है ना जितना भी भारत किया उसका लगभग 22% तेल आयात है ना रूस से ही किया है। तो ये पूरा रिपोर्ट है कि है ना सो पिछले साल तो है ना 2021 में 10.2% ही है ना सो रूस से है ना सो तेल आयात किया था, लेकिन इस साल जो 2022 में है कि जितना भी भारत है ना सो विदेश से तेल और गैस का है ना सो इम्पोर्ट किया है उसका लगभग है ना सो 22% रूस से किया है। तो रूस अभी है ना सो भारत का सबसे बड़ा है ना तेल और गैस का आपूर्ति करता है, रूस सबसे ज़्यादा है ना आपूर्ति करता है भारत को तेल और गैस का। अब रूस पुतिन क्या किया कि यूरोप को तेल गैस देना बंद कर दिया, भारत को है ना सो तेल गैस दे रहा है, चाइना को दे रहा है, तो उसका इकोनॉमी तो डॉलर इस समय उसका जो है ना जो रुपया है वो तो काफ़ी ऊपर बढ़ा है, उसका कोई जो अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध लगा है उसका कोई असर तो पुतिन और रूस पर तो हो नहीं रहा है, उल्टे है ना सो रूस भारत को अब दे रहा है और सस्ता तेल दे रहा है, सस्ता तेल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का मूल्य है उससे काफ़ी सस्ता तेल है ना भारत को मिल रहा है। अगर भारत ना इराक से जाए, सऊदी अरब या दूसरे किसी देश से तेल खरीदता है तो उसे काफ़ी सस्ता मूल्य पर है ना सो दे रहा है रूस भारत को तेल और गैस। तो ये भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद चीज़ है ना, भारत एक है ना भारत में काफ़ी जनसंख्या है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल और गैस का उपभोगकर्ता देश है, यहाँ जनसंख्या काफ़ी है, यहाँ का लोग का आय काफ़ी है ना सो कम है, तो यहाँ आना अगर महंगा तेल गैस खरीदेंगे तो हम लोग कहाँ से महंगाई बनेगा, तो इसलिए सस्ता तेल रूस अगर दे रहा है तो फायदेमंद है, तो इसीलिए भारत है ना रूस से ही तेल और गैस सबसे ज़्यादा तेल गैस आज के डेट में कहाँ से ले रहा है, रूस से ले रहा है, और सस्ता रूस दे रहा है तो फायदेमंद है। तो ये जो अमेरिका जो बोल रहा है कि भारत को कि नहीं 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 कर दो, तो ये बात हमको क्या मतलब है अमेरिका से, हमको सस्ता तेल है ना रूस अगर दे रहा है हमारा भरोसेमंद साथी तो उसी से कर देंगे। तो यही एस जयशंकर का पूरा ये बयान है कि भारत है ना सो अपने है ना सो लोगों को सस्ता तेल है ना सो मुहैया कराएगा। तो ठीक आप जानते हैं तो यही है, तो मास्को से तेल खरीदना भारत के लिए फायदेमंद है और वह इसे जारी रखना चाहेगा। ठीक एस जयशंकर का पूरा बयान है, एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों के देखिए एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों के आक्रोश के बीच भारत के बढ़ते रूस से तेल आयात के बारे में पूछा गया था एस जयशंकर से। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल और गैस का उपभोक्ता है और एस जयशंकर ने कहा हमारे यहाँ लोगों की देखिए भारत का विदेश मंत्री वो बोलता है, देखिए कितना वफादार है देश का है कि हमारे यहाँ लोगों की आय का स्तर बहुत अधिक नहीं है, ऐसे में भारत का दायित्व है कि वह अपने उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सके, इसके लिए हम रूस से तेल का इससे यह रिश्ता जारी रखना चाहेंगे। इसलिए कि हमको सब रूस हमको जब सस्ता में तेल दे रहा है तो हम दूसरे देश से काय खरीदेंगे, हाँ अमेरिका का बोलते रहे उससे हमको क्या मतलब है, हमको जहाँ से सस्ता मिलेगा वही करेंगे, कोई पाकिस्तान थोड़े है कि इमरान खान का सरकार है ना बदल गया, हमें इमरान खान गया रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए, तो अमेरिका को अच्छा नहीं लगा, वहाँ अमेरिका में इमरान खान का तख्ता पलट करवा दिया, लेकिन भारत का डेमोक्रेसी काफ़ी मजबूत है, आरएसएस मोदी का सरकार है तो यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए भारत तो लेगा ही सस्ता तेल। देखिए अक्टूबर में रूस ने भारत को 935,556 देखिए अक्टूबर में रूस ने भारत को 935,556 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की आपूर्ति की है। देखिए ये है अक्टूबर में रूस ने भारत को 935,556 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की आपूर्ति की है, यह भारत को कच्चे तेल की अब तक की सर्वाधिक आपूर्ति है। तो ये सर्वाधिक आपूर्ति है, बीते वर्ष भारत ने कुल कच्चे तेल का 2.2% रूस से खरीदा था जो बढ़कर 22% तक पहुंच गया है आज के डेट में, पहले 10.2% ही खरीदता था लेकिन आज के डेट में सबसे ज्यादा 22% है ना सो कच्चे तेल का खरीदारी है ना भारत जो कर रहा है वह रूस से करता है और काफी सस्ता फायदेमंद है। तो अमेरिका को पूरा डोर टू कर दिया, तुम चिल्लाते रहो अमेरिका पश्चिमी देश हम रूस से सस्ता है, वो हमारा भरोसेमंद देश है, विश्वास का पात्र है और पुतिन से काफी हमारा रूस से काफी पुराना रिश्ता रहा है और हम लोग वो अगर हमको सस्ता और अच्छा क्वालिटी का तेल दे रहा है सस्ते दाम पर दे रहा है तो हम उसे जरूर खरीदेंगे, सबसे ज़्यादा खरीदेंगे।
तुम बाप बाप चिल्लाते रहो अमेरिका। तो ये फैसला है भारत का सरकार का, ये काफ़ी अच्छा है, शानदार फैसला है मोदी जी की सरकार का कि रूस से अपना संबंध भी बनाए, अच्छा है, हमारे फायदेमंद है। तो वीडियो देखने का, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।